हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हाशिम और काफ़ी दिनों के बाद कोई वीडियो लेके आया हूं इस चैनल पे, और काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल होंगे, पर हम उन सब सवालों का जवाब देंगे किसी दूसरे वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो ना किसी एप्लीकेशन का है और ना ही किसी गेम का है। तो आज का जो वीडियो है वो है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, और उसी पे आज हम बात करेंगे। और कैसे जो ठग रहते हैं ऑनलाइन वो आपको लूटने की कोशिश करते हैं, और हमें कैसे उन्हें नाकाम करना है इस पे हम बात करेंगे। और एक नए तरीके का जो है मैसेज है वो आ रहे लोगों के मोबाइल पे, और वो क्या है तो उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर पहले मैंने वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोचा था कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग इतने समझदार तो होंगे कि इतनी छोटी बात समझ सकें कि आज की दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है। लेकिन जो है मेरी पहचान में ऐसे कई लोग रहे जिनने ऐसे लिंक्स पर क्लिक किया। तो सबसे पहली बात, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आज की दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको लिंक आए, चाहे वो WhatsApp पे आए, Telegram पे आए ना, तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। और फेस्टिवल सीज़न पे, त्यौहारों के समय ये लिंक ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं हैकर इस टाइम पे, तो आप ध्यान रखें ना। ज़्यादातर मैंने अगर देखा है लिंक, आपने भी देखा होगा, जैसे एक वो लैपटॉप वाला फ्री लैपटॉप मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस चांस में मत आइएगा कोई किसी को फ्री में। ऐसे WhatsApp पे रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेट नहीं होता है ना। और एक वो जियो का मैसेज आता है कि जियो अपने इतने सब्सक्राइबर हो गए उसकी खुशी में फ्री डेटा दे रहा है, तो नहीं देता है वो किसी को भी, क्योंकि ऐसे लिंक अगर वो पूरे इंडिया में फॉरवर्ड करें और सबको ऐसे फ्री देने लगेंगे तो वो कंपनी बैठ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए समझदारी करें बिल्कुल, ऐसे लिंक्स पे क्लिक ना करें। ना ही वो फर्जी KBC का भी आता है, तो ध्यान रखें इस बात का। और आपको फ़ोन भी आ सकते हैं, फ़ोन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वगैरह की है, तो ये लोग जो है आपकी डिटेल निकाल लेते हैं और फिर फ़ोन करेंगे आपको कि आपने ये सामान खरीदा था, तो आप कहोगे हाँ मैंने खरीदा, तो कहेंगे आप लक्की ड्रॉ में जो है जीत गए लक्की ड्रॉ, और आपको एक कार मिलेगी, और या तो आप पैसे ले लीजिए लाख, कितने भी बोल देंगे वो 75 लाख रुपये, तो फिर वो बोलेंगे इसके लिए आपको एक टैक्स देना होगा और 10,000-15,000 पहले जमा करने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल आपको उनको जहाँ से मैंने आना है। वो लोग बहुत कॉन्फिडेंस से बात करेंगे आपसे, आपको लगेगा नहीं, पर इस बारे में आप सोचें पहले, है ना। एकदम से पैसे वगैरह किसी भी अकाउंट में ना डालें, और ना ही किसी भी फालतू फालतू जो लिंक रहते हैं लोग जो यहाँ वहाँ शेयर कर देते हैं, फ्रेंड्स हो गए फ्रेंड्स दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं ये सोच के कि जो है अब क्या दिमाग में चलता है उनके, ये तो हम नहीं कह सकते कुछ, है ना, पर फॉरवर्ड कर देते हैं, और इस ये ऐसे ही झांसे में लोग आ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक फ्रॉड मैसेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपके WhatsApp पे या Telegram पर, ज़्यादातर WhatsApp पे आता है, तो एक इमेज कोई शेयर करेगा, किसी भी नंबर से आपको इमेज आ सकती है, और जब आप उसे ओपन करोगे, उसे देखोगे स्कैन करके, तो उसमें लिखा रहेगा कि रात के 10 बजे तक या 9 बजे तक, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देते, शॉर्टेज टाइम देंगे कि आपको आज ही आपकी घर की बिजली कट जाएगी, और अगर आपको जो है वो मतलब कोई भी असुविधा से बचना है, तो एक नंबर दिया रहता है उस इमेज में, उस पर आप कॉल करके उनके जो ऑफिसर से उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप फटाफट फ़ोन लगाओगे उन्हें और कहोगे कि हाँ, तो फिर वो बोलेंगे कि आपको इतनी जो भी अमाउंट वो लोग सोचते हैं वो फिर आपको बताते हैं, और अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी सी अमाउंट रहेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अमाउंट रहती है। और फिर वो बोलेंगे कि ये आप ऑनलाइन पे करोगे, और ऐप बताएंगे वो कि ऐप आपको इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। फिर आप सोचोगे प्ले स्टोर पे तो सारी ऐप वो भरोसे वाली रहती हैं, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेकिन अगर जैसे आप वो ऐप इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, वैसे ही जो है आपका जो डेटा वगैरह रहता है वो उनके पास पहुँच जाएगा, और डिटेल्स वगैरह आपकी सारी वहाँ पहुँच जाएंगी, फिर वो जैसा उसका मिसयूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि कोई भी जो गवर्नमेंट की जो हम स्कीम्स या सर्विसेज लेते हैं, तो उसका ऑनलाइन पे ऐसे तो नहीं करना रहता है ना। तो कोई भी अगर आपको मैसेज करे, आज हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर ठग रहे हैं, कल कुछ और
जो है मैसेज पे आने लगे, तो आपको तो ये कहना है कि ठीक है मैं अभी यहाँ मैं ऑनलाइन कुछ भी पे नहीं करूँगा, मैं जाके वो जो मेन ऑफिस रहता वहाँ बात कर लूँगा, फिर ही मैं जो भी वो बिल है या जो भी चीज़ है मैं उसे फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, है ना। तो ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, फ़ोटो स्कैन करके देख लेते हैं हम कैसी है, और उससे आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। तो हम हमारे व्हाट्सएप चैट में आ चुके हैं और ये नंबर से आया था मैसेज, पर इन नंबर्स को सेव करने का कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि ये अपना काम खत्म करने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं। तो एक इमेज आई थी ये वाली, ठीक है, तो हम इसे स्कैन करके देखेंगे इसमें क्या लिखा है। तो ये इमेज स्कैन हो गई है और हम इसे पढ़ के देखेंगे। Page 1. Dear consumer, your electricity power will be disconnected tonight at 9:30 p.m. from electricity office because your previous month bill was not updated. Please immediately contact with our electricity officer 6,289,437,617. Thank you. तो आप एक दो बार और इस वीडियो को देखोगे तो आप ये मैसेज सुन लेना, एक बार और अच्छा सुना देता हूँ आपको। Page 1. Dear consumer, your electricity power will be disconnected tonight at 9:30 p.m. from electricity office because your previous month bill was not updated. Please immediately contact with our electricity officer 6,289,437,617. Thank you. 10:40. तो ये मैसेज इंग्लिश में है और इसमें कहा गया है कि 9:30 बजे रात तक आपकी बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा क्योंकि आपके पिछले महीने का जो बिल है वो भरा नहीं गया है। तो आप एक नंबर दिया है और उसमें ऑफिसर से बात करनी है, तो वो जहाँ पे भी आप कॉल करोगे जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करोगे तो वो आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो वो ऐप इन्हीं लोग की रहती है, तो वो बस फिर आपका अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो आपकी डिटेल्स पहुँच जाएंगी उनके पास। तो किसी भी ऐसे नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, ना ही कोई ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ऐसे अनजान ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करनी रहती हैं और यहाँ वहाँ फॉरवर्ड भी होती रहती हैं, और कोशिश करें कि क्रैक एप्लीकेशन से भी जो है आप बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और अनजान लिंक पे तो बिल्कुल क्लिक ना करें तो आप फिर ऐसे सेफ रह सकते हो। और ये वीडियो यहीं तक था, कोशिश थी कि आप जागरूक हों और जो आपने आसपास के लोग हैं उनको भी आप ज़रूर बताएं और जागरूक करें, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय सभी को।